हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम स्टोमेटा या रंध्र की संरचना और साथ ही साथ इसके खुलने एवं बंद होने की क्रियाविधि को विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एकबीजपत्री पौधों के स्टोमेटा डंबल या डमरू के आकार के होते हैं। इस तरह के स्टोमेटा आपको मक्का, गन्ना या घास कुल के पौधों में दिखाई देगा, जबकि द्विबीजपत्री पौधों के स्टोमेटा किडनी या वृक्ष शेप में होते हैं। यहाँ पर हम द्विबीजपत्री पौधे की स्टोमेटा का चित्र को बनाएंगे। तो आइए पहले इसका चित्र को बना लें, उसके बाद हम इसके संरचना को समझेंगे। ये देखिए, स्टोमेटा मुख्यतः दो भाग से मिलकर बनता है। ये बीच वाला जो छिद्र या पोर दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्टोमा, और बाहर का जो दो कोशिका दिख रहा है ये कहलाता है रक्षक कोशिका या गार्ड सेल। और इस गार्ड सेल की भीतरी दीवार अवतल होती है, साथ ही साथ मोटी एवं अप्रत्यास्थ होती है, जबकि इसकी बाहरी दीवार ये देखिए उत्तल है, उभरा हुआ है और पतला होगा और साथ ही साथ प्रत्यास्थ होता है, अर्थात इसमें तनने की क्षमता होगा। देखिए, इसी विशेषता के कारण ये जो रंध्र या स्ट्रोमा है ये खुलता और बंद होता है। तो इसको आपको विशेष रूप से समझना है। और इस गार्ड सेल का ये केंद्रक हो गया। इस गार्ड सेल का और विशेषता, इसमें हरित लवक पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट, इस तरह से दोनों गार्ड सेल में हम क्लोरोप्लास्ट को दिखा देंगे। बाकी जो द्रव होगा वो तो भरा ही होगा इस पे। गार्ड सेल को घेरे हुए बाहर से कुछ कोशिकाएं पाए जाते हैं, इनको सहायक कोशिका सब्सिडियरी सेल कहेंगे। इसका संरचना आप इस तरह से बना सकते हैं। और इनमें भी इनका केंद्रक तो स्थित होगा ही होगा। चलिए इसका नामांकन पहले कर लें। तो सबसे पहले इस छिद्र को, जो पोर है ये कहलाएगा स्टोमा। ये जो कोशिका है, दो कोशिकाएं, ये कहलाएंगे रक्षक कोशिका या गार्ड सेल। इस गार्ड सेल की भीतरी दीवार मोटी होती है, थिक वाल, और बाहरी दीवार पतली होती है, थिन वाल। ये इसका केंद्रक, और ये जो छोटे छोटे संरचना बनाए गए हैं ये हो गया क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, और बाहर जो दिखाई दे रहे हैं इस गार्ड सेल को या रक्षक कोशिका को घेरे हुए, ये कहलाते हैं सहायक कोशिका सब्सिडियरी सेल। इस प्रकार का स्टोमेटा जिसमें ये जो रक्षक कोशिका है फूले हुए स्फीत अवस्था में है और बीच में छिद्र स्पष्ट दिखाई दे रहा है खुला हुआ, ये कहलाता है खुला रंध्र या ओपन स्टोमेटा। एक चित्र पहले और बना ले, उसके बाद मैं आपको इसको समझाता हूं।
इसमें देखिए ये गार्ड सेल के बीच में जो स्टोमा दिख रहा है, रंध्र दिख रहा है, वो बंद है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे क्लोज स्टोमेटा। तो ये हो गया क्लोज स्टोमेटा। अब आइए इसकी संरचना को पहले एक बार विस्तार से समझ लें, उसके बाद हम इसके खुलने एवं बंद होने की क्रियाविधि को समझेंगे। तो देखिए स्टोमेटा दो भाग से मिलकर बनता है, रंध्र स्टोमा या पोर और दूसरा रक्षक कोशिका या गार्ड सेल। देखिए रक्षक कोशिका दो की संख्या में पाए जाते हैं और इन्हीं रक्षक कोशिका के बीच में जो छिद्र उपस्थित होता है उसे ही स्टोमा कहते हैं। इसका खुलना और बंद होना इसी रक्षक कोशिका पर निर्भर करता है। अब देखिए रक्षक कोशिका संख्या में दो होते हैं। रक्षक कोशिका की भीतरी दीवार ये देखिए ये अवतल होता है, मोटा होता है और साथ ही साथ अप्रत्यास्थ होता है। अप्रत्यास्थ से ऐसे होगा कि जब इसके भीतर द्रव या जल भरता है उस समय ये बाहर की ओर नहीं तनता, नहीं फैलता, जबकि इसकी बाहरी दीवार ये उभरा हुआ देखिए उत्तल है, पतला है और प्रत्यास्थ होता है। इस रक्षक कोशिका में केंद्रक के अलावा क्लोरोप्लास्ट हरित लवक भी पाए जाते हैं। तो ये हो गया इसका संरचना, इतना आप इसके संरचना के बारे में बता सकते हैं। साथ ही बता सकते हैं कि इन रक्षक कोशिकाओं को घेरे हुए बाहर से सहायक कोशिकाएँ पाए जाते हैं जिनमें से जल का स्थानांतरण इन रक्षक कोशिकाओं में होता है। अब इसमें एक पॉइंट आप और समझ लीजिए, वो है परासरण या ऑस्मोसिस, क्योंकि इसी के आधार पर निर्भर करता है रंध्र का खुलना और बंद होना। विलयन दो भाग से मिलकर बनता है, विलायक और विलय। विलयन जैसे उदाहरण है हम शरबत, शरबत में देखिए विलायक के रूप में होता है जल और विलय होता है शक्कर। इसको चित्र के द्वारा समझिए, ये बीच में जो झिल्ली है ये कहलाता है अर्धपारगम्य झिल्ली। और इधर इस अर्धपारगम्य झिल्ली के इधर हम रख देते हैं विलायक अर्थात जल को और इधर रख देते हैं विलयन को। विलयन अर्थात उसमें जल के साथ साथ शक्कर के कण भी घुले हुए होंगे। अब देखिए परासरण को समझिए, विलायक अर्थात जल का अधिक सांद्रता किधर है, अधिक मात्रा किधर है, इधर। और विलयन में चूंकि शक्कर के कण घुल गए हैं इसलिए यहाँ जल की मात्रा कम होगी। तो देखिए किसी विलयन में विलायक के अणु अपने अधिक सांद्रता से अर्धपारगम्य झिल्ली को पार कर अपने कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, यही क्रिया परासरण कहलाता है। इसमें सिंपल सा है, विलयन की सांद्रता देखेंगे तो अधिक है लेकिन यहाँ पे जल की सांद्रता कम है। यदि विलयन के आधार पर सिर्फ आपको बताना है तो ये बताएंगे कि विलयन में कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अणुओं का गमन ये परासरण कहलाता है, सिर्फ विलयन में बताएंगे। लेकिन यदि विलायक शब्द ले लिया आप कि किसी विलयन में विलायक के अणु अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, यह क्रिया परासरण कहलाता है। जैसे किशमिश को पानी में डाल देना, देखिए किशमिश अर्थात उसके भीतर शक्कर और पानी दोनों उपस्थित होगा, जैसे इसको पानी में डालेंगे तो पानी के अणु अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, जहां पानी कम है वहां गति करने लगते हैं, यह क्रिया कहलाता है अंतःपरासरण और इसके कारण किशमिश फूल जाता है। तो ये क्रिया है परासरण। इसको परासरण दाब के आधार पर समझिए, तो देखिए जैसे ही विलय के अणु किसी विलयन में उपस्थित होते हैं तो वहां पर परासरण दाब बढ़ जाता है उन विलय अणुओं के कारण, और परासरण दाब में वृद्धि के कारण विलायक के अणु अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्थात इस विलयन की ओर गति करने लगते हैं, यह क्रिया कहलाता है परासरण। एक क्रिया और समझिए, वो है जल विभव, वाटर पोटेंशियल, यह एक प्रकार का ऊर्जा है। शुद्ध जल का ऊर्जा हमेशा जीरो होता है,
इसको आपको ध्यान रखना है। और कोई भी विलयन हो उसका वाटर पोटेंशियल हमेशा ऋणात्मक होगा, विभव है अधिक से कम की ओर प्रवाह होगा, तो उसके कारण जल के अणु विलयन की ओर गति करने लगते हैं। तो आप इसको तीनों तरह से बता सकते हैं, और इसको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन रक्षक कोशिकाओं में इसी प्रकार का परासरण का क्रिया होता है। देखिए जैसे ही सूर्य प्रकाश पड़ता है इसमें जो हरित लवक है इसकी उपस्थिति के कारण ये रक्षक कोशिकाएं अपना भोजन बनाना चालू करते हैं, इसमें शर्करा बनेगा और शर्करा जल में घुलनशील होने के कारण इसके विलयन में घुल जाता है, और घुलने के कारण देखिए यहाँ पर चाहे आप कह लें कि वाटर पोटेंशियल घट जाएगा या कह लें परासरण दाब बढ़ जाएगा या कह सकते हैं जल की मात्रा कम हो गया, जिसके कारण ये जो बाहर सहायक कोशिका दिख रहे हैं इनसे जल इन गार्ड सेल के भीतर प्रवेश करता है। और इसका बनावट इस तरह से है कि देखिए बाहर का दीवाल पतला, भीतर का दीवाल मोटा और अप्रत्यास्थ, जिसके कारण जैसे जैसे इसमें जल भरते जाता है ये बाहर की ओर फैलते हैं, साथ ही साथ लंबाई में भी फैलते हैं, और जिसके कारण भीतरी ये जो अप्रत्यास्थ सतह है ये थोड़ा सा खींच जाता है, जिसके कारण ये रंध्र खुल जाते हैं। इस समय इस गार्ड सेल की अवस्था को हम कहते हैं स्फीत अवस्था, इसको आसून भी शब्द यूज किया जाता है, आसून अवस्था, जब गार्ड सेल में पानी भरा हुआ होता है, अंग्रेजी में कहें तो ये टर्गिड अवस्था में आ जाते हैं, जिसके कारण स्टोमेटा खुल जाता है। दूसरा देखिए, जब इन रक्षक कोशिकाओं से पानी इस सहायक कोशिका में चला जाता है, कब जाएगा किस कारण से उसको मैं आगे बताऊंगा। देखिए जब इसमें से बाहर चला जाएगा तो रक्षक कोशिकाएं पूर्ववत अपने स्थिति में आ जाते हैं, इस समय रक्षक कोशिकाओं की स्थिति को हम कहते हैं स्लथ अवस्था या फ्लेसिड। तो इस अवस्था में रंध्र बंद हो जाते हैं। तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि रक्षक कोशिकाओं में जब जल भर जाता है अर्थात स्फीत की अवस्था में, टर्गिड अवस्था में रंध्र खुलते हैं, और जब रक्षक कोशिकाएं स्लथ अवस्था में आ जाते हैं, फ्लेसिड अवस्था में आ जाते हैं, तो रंध्र बंद हो जाते हैं। तो आइए अब हम इसकी क्रियाविधि को समझें। रंध्र के खुलने एवं बंद होने की क्रियाविधि का पहला सिद्धांत परासरण सिद्धांत या प्रकाश संश्लेषण सिद्धांत है, इसे वान माल ने दिया। इनके अनुसार रक्षक कोशिकाओं में जब प्रकाश पड़ता है तो रक्षक कोशिकाओं में हरित लवक की उपस्थिति के कारण ये कोशिका प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन का निर्माण करने लगते हैं। भोजन से आशय है शर्करा। जैसे शर्करा बनता है, शर्करा जल में घुलनशील होता है, इस रक्षक कोशिका की विलयन में घुल जाता है, और घुलने के कारण यहाँ पर परासरण दाब में वृद्धि हो जाएगा, और परासरण दाब में वृद्धि होने से बाहर ये जो सहायक कोशिका दिख रहे हैं यहाँ का परासरण दाब कम है, तो इसका जल इन रक्षक कोशिकाओं की ओर अंतः परासरण करने लगता है, और जिसके कारण रक्षक कोशिकाएं फूल जाते हैं या स्फीत हो जाते हैं, और उसके कारण रंध्र खुल जाते हैं। और रात्रि में जब अंधकार होता है उस समय प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, सिर्फ श्वसन होगा, और श्वसन में यहाँ जो शर्करा बना हुआ है उस शर्करा का अपघटन होने लगता है। अपघटन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगा, तो जैसे जैसे शर्करा कम होता है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होता है, वैसे वैसे इसका परासरण दाब कम होने लगता है बाहर सहायक कोशिकाओं की तुलना में, जिसके कारण इसमें बाह्य परासरण होगा अर्थात इसका पानी निकलकर जिधर अधिक परासरण दाब है अर्थात इन सहायक कोशिकाओं की ओर गति करने लगता है, जिसके कारण ये जो रक्षक कोशिकाएं हैं ये स्लथ अवस्था फ्लेसिड अवस्था में आ जाते हैं और रंध्र बंद हो जाते हैं। तो पहला सिद्धांत एकदम सामान्य सा है, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण होगा रंध्र खुल जाएंगे, रात के समय सिर्फ श्वसन होगा जिसके कारण रंध्र बंद हो जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा, अगला देखिए स्टार्च शर्करा सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार दिन में प्रकाश की उपस्थिति में इन रक्षक कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण होता है, और हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण इसके आसपास जो वायु गुहिकाएं होते हैं एयर स्पेस होते हैं वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी हो जाता है। इसकी मात्रा में कमी होगा तो ये कार्बनिक अम्ल नहीं बन पाता, जिसके कारण रक्षक कोशिकाओं का पीएच मान बढ़ जाता है, और पीएच मान बढ़ने से माध्यम कैसा हो जाएगा, क्षारीय। हम जानते हैं पीएच मान जैसे जैसे बढ़ता है
यदि 7 से अधिक चला गया तो माध्यम क्षारीय, 7 से कम होते जाएगा तो माध्यम अम्लीय। तो यहाँ माध्यम क्षारीय हो जाता है और जिसके कारण एक एंजाइम सक्रिय हो जाता है जिसका नाम है फास्फोराइलेज एंजाइम, और यह उस रक्षक कोशिका में जो अघुलनशील स्टार्च है उसको बदल देता है घुलनशील शर्करा में। और जैसे शर्करा बना, रक्षक कोशिका का पराशरण दाब में वृद्धि हो जाता है, और बाकी आप पढ़ चुके हैं जैसे पराशरण में वृद्धि होगा अंतः पराशरण होगा, बाहर सहायक कोशिकाओं से पानी रक्षक कोशिकाओं में जाएगा, रक्षक कोशिकाएँ स्फीत अवस्था में आ जाएंगे और रंध्र खुल जाते हैं। रात के समय अंधकार में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, सिर्फ श्वसन होगा। श्वसन के दौरान CO2 बाहर निकलता है और CO2 के बाहर निकलने पर CO2 की मात्रा में वृद्धि होगा और वह पानी से क्रिया करके कार्बनिक अम्ल बनाता है, और इस कार्बनिक अम्ल के कारण pH मान में वृद्धि होता है जिसके कारण इन रक्षक कोशिकाओं का माध्यम अम्लीय हो जाएगा, और अम्लीय माध्यम में भी ये एंजाइम सक्रिय हो जाता है फास्फोराइलेज एंजाइम, और क्या करेगा, ये शर्करा को अघुलनशील स्टार्च में बदल देगा। स्टार्च अघुलनशील होता है और जिसके कारण यहाँ का पराशरण दाब में कमी आ जाएगा और बाह्य पराशरण होगा, पानी बाहर निकलना चालू करेगा जिसके कारण रक्षक कोशिकाएं स्लथ अवस्था में आ जाते हैं और रंध्र बंद हो जाते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि इसमें मुख्यतः बताया गया है कि pH मान में वृद्धि होने पर रंध्र खुल जाते हैं और pH मान में कमी होने पर रंध्र बंद हो जाते हैं। यह स्टार्च शर्करा सिद्धांत एक बीजपत्री पौधे जिनमें स्टार्च नहीं बनता, और साथ ही साथ ऐसे पौधे जिनमें दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होता, ऐसे पौधों में रंध्र के खुलने एवं बंद होने की क्रियाविधि को स्पष्ट नहीं कर पाता। तो चलिए अब अंतिम सिद्धांत देखते हैं जो सर्वमान्य है, सक्रिय के अभिगमन सिद्धांत। तो इस सक्रिय के अभिगमन सिद्धांत में देखिए, के आयन जब रक्षक कोशिकाओं के भीतर आता है तो रंध्र खुल जाते हैं और जब बाहर निकलता है तो रंध्र बंद हो जाते हैं। इस सिद्धांत को दिया है लेविट ने, और आइए समझते हैं कि कैसे के आयन रक्षक कोशिकाओं के अंदर आएगा और बाहर जाएगा। तो देखिए, इन रक्षक कोशिकाओं में जो स्टार्च होता है उस स्टार्च का परिवर्तन प्रकाश की उपस्थिति में मैलिक अम्ल में होता है। यह मैलिक अम्ल मैलेट आयन और हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है। यह हाइड्रोजन आयन उस रक्षक कोशिकाओं से बाहर निकलना चालू होता है, और जैसे जैसे बाहर जाएगा बाहर से उसकी कमी को पूरा करने के लिए पोटेशियम आयन रक्षक कोशिकाओं के भीतर प्रवेश करने लगता है और इसको बैलेंस कर देगा मैलेट आयन को। तो ये बैलेंस हो गया, इसके कारण रक्षक कोशिकाओं में जो पराशरण दाब होगा उसमें वृद्धि हो जाता है, और हम जानते हैं पराशरण दाब में वृद्धि होगा तो सहायक कोशिकाओं से पानी अंतः पराशरण के द्वारा रक्षक कोशिकाओं में आएगा जिसके कारण रक्षक कोशिकाएं स्फीत अवस्था में आ जाएंगे और रंध्र खुल जाते हैं। और अंधकार में देखिए, जब श्वसन की क्रिया होगा उस समय कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से FCC अम्ल ABS अम्ल सक्रिय हो जाता है। इसको ध्यान रखना है आपको, ये अम्ल सक्रिय होगा, इसके सक्रिय होने के कारण जो रक्षक कोशिकाओं में के धनायन है वो के धनायन उससे बाहर निकलने लगता है, और जो बाहर हाइड्रोजन आयन गया था वो पुनः अंदर आ जाएगा, अंदर आके ये जो मैलेट आयन है इससे क्रिया कर लेगा और बना देता है मैलिक अम्ल। माध्यम हल्का सा अम्लीय हो जाएगा, अम्लीय होने के कारण स्टार्च संश्लेषण चालू हो जाता है, और हम जानते हैं स्टार्च अघुलनशील है, इसमें जमा होने लगेगा, रक्षक कोशिकाओं के पराशरण दाब में कमी आ जाएगा और जिसके कारण इनमें बाह्य पराशरण होगा, पानी बाहर निकलना चालू होगा, और ये जो रक्षक कोशिकाएं हैं ये स्लथ अवस्था में आ जाते हैं और रंध्र बंद हो जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब मैलिक अम्ल का वियोजन होता है, पोटेशियम आयन अंदर आता है तो रंध्र खुल जाते हैं, और जब पोटेशियम आयन बाहर जाता है और मैलिक अम्ल बनना चालू होता है, माध्यम अम्लीय हो जाता है तो रंध्र बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप रंध्र की संरचना और ये तीनों सिद्धांत को समझ गए होंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल में नए आए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।